ट्रेन में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर हम लेकर आए हैं ट्रेन के नाम से संबंधित एक और वीडियो। अगर आपको ये नहीं पता है कि इस तरह के वीडियो में हम कैसे जानकारी देते हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पुराने वीडियो हमारी बारी बारी से देख सकते हैं। तो इसी क्रम में जो आज की ट्रेन है वो वाराणसी से चलकर वाया सुल्तानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, लुधियाना होते हुए जम्मू तवी तक जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस, ये अपने रूट की सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा भीड़ वाली ट्रेन है। और अब हम बताने वाले हैं कि बेगमपुरा का आखिर क्या अर्थ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे दूसरे चैनल फैट रेड भाई विकास को अभी तक आपने नहीं देखा है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिए, जिसमें हम ट्रेन के अतिरिक्त बाकी जानकारियाँ हम देते रहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस ट्रेन का अर्थ। बेगमपुरा एक्चुअल में तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बे जिसका मतलब हुआ जिसके बिना या जिसके रहित, गम गम का मतलब दुख, और पूरा पूरा शब्द एक्चुअल में लगाया जाता है शहरों के नाम पर। जैसे कि आपने कई सारे शहर ऐसे सुने होंगे जिसमें लास्ट में पुर लगता है, जैसे कि जौनपुर। और इसी तरह से एक ऐसा शहर जहाँ पे कोई भी गम ना हो, ये शहर की कल्पना संत रविदास ने किया था। रविदास एक बहुत ही विख्यात संत और भक्त थे। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना किया जहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे विजय प्राप्त कर एक खुशहाल समाज की परिकल्पना उन्होंने किया था। और ऐसे समाज की परिकल्पना किया जहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा और चारों ओर खुशहाली ही हो। तो उम्मीद करते हैं आपको बेगमपुरा शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। और लास्ट में कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो अगर नहीं किया तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।